तो ट्रिपल एच ने जब से WWE का क्रिएटिव कंट्रोल संभाला है तो उसके बाद से रॉ और स्मैकडाउन की रेटिंग काफी सुधर गई है। और ना सिर्फ ट्रिपल एच अच्छा शो दे रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा फैंस इसलिए रॉ और स्मैकडाउन देख रहे हैं क्योंकि फैंस की भी नजरें टिकी हुई हैं इन दोनों ही शोज पर, और वो इसलिए क्योंकि कभी भी किसी सुपरस्टार का रिटर्न फैंस को देखने मिल सकता है। और इसलिए आप नोटिस कर रहे होंगे कि इधर अभी कुछ हफ्तों से रॉ और स्मैकडाउन की रेटिंग के साथ साथ WWE पे पर व्यूज के भी टिकट बहुत ज्यादा बिकने लगे हैं। और WWE शोज की टिकट्स की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल में ही जब मिस्टर मैकमैन WWE की CEO थे तो मनी इन द बैंक पे पर व्यू के टिकट्स ज्यादा नहीं बिक रहे थे, और इसी वजह से WWE को मनी इन द बैंक जैसा बड़ा पे पर व्यू एक छोटे स्टेडियम में करवाना पड़ा ताकि उन्हें कम टिकट्स बेचने पड़े। और जैसे SummerSlam 2022 में कुछ सुपरस्टार्स के रिटर्न फैंस को देखने मिले, वैसे ही अभी कुछ दिन में जब क्लैश एट द कैसल 2022 होगा तो उसमें भी कुछ सुपरस्टार्स के सरप्राइज रिटर्न्स आपको देखने मिल सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्लैश एट द कैसल में किन सुपरस्टार्स के रिटर्न WWE फैंस को देखने मिल सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो जैसा मैंने आपको कल ही बताया कि WWE मैनेजमेंट ने द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन से बात करना स्टार्ट कर दिया है उनके रिटर्न के लिए, और ये स्ट्रोमन के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है क्योंकि स्ट्रोमन का रिटर्न आना अब कंफर्म लग रहा है क्योंकि ट्रिपल एच इंटरेस्टेड है स्ट्रोमन को रिटर्न बुलाने में। तो जब WWE ने द फिंड ब्रे वाइट को WWE से फायर कर दिया था तो बहुत सारे फैंस सरप्राइज हो गए, और बहुत सारे फिंड के फैंस ने WWE भी देखना छोड़ दिया था। और जब तक मिस्टर मैकमैन WWE के CEO रहते तो इस बात के बहुत कम ही चांसेस थे कि द फिंड ब्रे वाइट WWE में रिटर्न आएंगे, लेकिन ट्रिपल एच ने ऐसा साफ बोल दिया है कि जो भी सुपरस्टार्स WWE ने पहले फायर किए हैं वो जिस भी वजह से किए हों उस रीजन से ट्रिपल एच को कोई मतलब नहीं है क्योंकि ट्रिपल एच अब हर सुपरस्टार को एक मौका देना चाहते हैं जो शायद उन्हें पहले नहीं मिले थे। और इसलिए फिंड ब्रे वाइट को ट्रिपल एच क्लैश एट द कैसल में बुला सकते हैं रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के मैच के बाद। वैसे क्या आप लोग द फिंड ब्रे वाइट का रिटर्न WWE में फिर से देखना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके सबसे साथ शेयर करें। तो जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस ने उनकी खुद की मर्जी से WWE छोड़ा था, और यहाँ तक कि WWE उन्हें बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर रहे थे, लेकिन डीन एम्ब्रोस ने ये साफ बोल दिया था कि उन्हें पैसों से मतलब नहीं है, बस वो खुश नहीं थे WWE में और उन्हें उनकी स्टोरी लाइन WWE में नहीं पसंद आ रही थी। और डीन एम्ब्रोस ने इंटरव्यूज में ये भी बोला है कि जब भी वो मिस्टर मैकमैन के पास कोई नया आइडिया लेकर जाते तो मिस्टर मैकमैन उसे कैंसिल कर देते थे, और इन सब रीजंस की वजह से डीन एम्ब्रोस ने लास्ट में WWE क्विट करके AEW ज्वाइन कर लिया है। और अभी AEW में डीन एम्ब्रोस टॉप सुपरस्टार बन गए और वो अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड चैंपियन भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीन एम्ब्रोस कभी रिटर्न नहीं आ सकते WWE में, क्योंकि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल या नेक्स्ट ईयर तक AEW के साथ खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है कि डीन एम्ब्रोस WWE के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं क्योंकि अब ट्रिपल एस संभाल रहे हैं WWE को, इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगले साल तक डीन एम्ब्रोस का रिटर्न फैंस को फिर से देखने मिलेगा WWE में। वैसे इन सब सुपरस्टार्स में से आपको कौन से सुपरस्टार का रिटर्न देखना है कमेंट करके सबसे शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।